एक तरफ जहां केंद्र की सरकार कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा रही है, तो वहीं आसनसोल में ऐसी तस्वीर सामने आई जहां भाजपा के ही कार्यकर्ता और कर्मचारी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी नजरअंदाज किया। भाजपा की ओर से बंद करवाया गया शराब की दुकान। जी हाँ, आसनसोल में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शराब दुकानों को खोलने की दी गई थी अनुमति के बावजूद अब भाजपा की ओर से इसे बंद कराने की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा के आसनसोल मंडल दो के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को आसनसोल के बर्नपुर स्थित स्टेशन रोड के एक शराब की दुकान के सामने जमकर हंगामा मचाया। যে মদের দোকান খোলা হচ্ছে চারিদিকে রিপোর্টিং আছে 40 কোটি মুনাফা অর্জন করেছে রাজ্য সরকার। আমরা তার এগেনস্টে আমরা একটা প্রতিবাদ নিয়ে এসেছি এই মদের দোকান বন্ধ করার জন্য। তো সেই জন্য আমাদের সদস্যরা সব এইখানে এসে হাজির হয়েছে, আমরা বিরোধিতা করছি। এই সংকট মুহূর্তে আমাদের মদ বিক্রি করছে, দেবো না, দিচ্ছি না, দেবো না। বাদ মে ইন লোগো নে জবরন উস দোকান কো বন্ধ করবা দিয়া। প্রদর্শন করনে পৌঁছে ভাজপা কার্যকর্তাও আর নেতাও কা কহনা হ্যায় কি জব সে মমতা ব্যানার্জি সরকার নে শরাব দোকান খোলনে কা আদেশ দিয়া হ্যায় উসকে বাদ পারিবারিক কলহ বড় গই হ্যায়। লোগ আপনি আপনি পত্নিও কে গহনে কো বেচ কর শরাব খরিদ রহে হ্যায় জবকি ঘর মে খানে কে সামান তক নহি হ্যায়। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ धिक्कार के भी नारे लगाए। घटना की सूचना मिलने के बाद हीरापुर थाने के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। क्या कारण था बंद करने का? क्या कारण बंद करने का, क्या बताया? नहीं बोला है, बोले कि बंद कर दीजिए। तो जब केंद्र सरकार परमिशन दिया, केंद्र सरकार परमिशन दिया, झमेला में नहीं किया हम लोग। अब हम लोगों का कार्यकर्ता घर में खाना नहीं है, जो भी पैसा है वो अभी दारू का दुकान में इन्वेस्ट हो रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि घर में हंगामा बढ़े, सबका खवाच, घर का परिवार वाले लोग, लड़का लोग घर का खवाच चोरी करके या गहना बेच के वो लोग दारू खरीद रहा है। हम लोगों का ये प्रति की धर्मगढ़ था, थोड़ा देर के लिए हम लोग बंद किया। आगे प्रशासन से हम लोगों का विनीत अनुरोध है, अब लोग दारू का दुकान बंद कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ही अलाउटमेंट किया, केंद्र सरकार भी गवर्नमेंट किया? नहीं, केंद्र सरकार अलाउटमेंट किया, लेकिन वो सिर्फ स्टेट का आधार पे, स्टेट का ऑन रिक्वेस्ट ये केंद्र सरकार अलाउ किया। नहीं तो आप देखिए, गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, महाराष्ट्र में बंद कर दिया। इसीलिए हम लोगों का दीदी से, गुजारी से, दीदी आप भी बंद कर दीजिए, दारू का दुकान बंद कर दीजिए, कुछ परिवार को बचाइए। तो झारखंड में भी चल रहा है, सभी जगह में चल रहा है? हम लोग जहाँ हम लोगों का संगठन है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का ही तो अलाउमेंट के बाद ही, केंद्र सरकार का ऊपर दबाव था स्टेट से, उनका रॉयल्टी नहीं आ रहा था, इसीलिए केंद्र सरकार को परमिशन देना पड़ा। ओटेल डीएसआरबी मेडिकल सॉल्यूशंस, एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया।